अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां दी सोपिया कुकिंग शो में दा सब खैरियत सां हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज़ हमेशा वांगुरु खणी ईंदा आहियूं, तव्हांजी फरमाइशूं बि पूरी कयूं पिया। ऐं हाणे असां खाधा ठाहींदा अचूं पिया। ईद जे हिसाब सां काफ़ी सारी फरमाइशूं आहिनि। बिरयानी तव्हांखे ज़बरदस्त दम वारी बिरयानी ठाहिणु सेखारी हुई, ज़रूरु ट्राई कजो। जंहिं तरीक़े सां असां ठाही हुई, ईद में बि तव्हां हीअ रेसिपी ठाही सघो था। अॼु ठाहियूं पिया कोफ़्ता। कोफ़्तनि जी फरमाइश हुई कि कोफ़्ता ठाहिणु सेखारनि पिया, ऐं कोफ़्तनि सां गॾु अॼु ठाहींदासीं मलका फ़ूड जी खीर। मलका फ़ूड जी खीरणी ठाहींदासीं, तमामु बहितरीन पैकिंग में दस्तियाबु। ऐं जेके खाधा ठाहींदा आहियूं, तलो कुकिंग ऑयल, तलो बनस्पति गिहु, वाइटमिन ए डी ऐं ई खां भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल आहे, ओमेगा 3 मौजूदु आहे, बहितरीन पैकिंग में, शानदार बचत, रमज़ान ऑफर सां गॾु दस्तियाबु आहे। मार्केट में अवेलेबल आहे, हर जॻह हर शहर में मिले पियो। तलो कुकिंग ऑयल वठो। हुन सां गॾु आहे नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम डेरी क्रीम आहे, तमामु बहितरीन, ख़ासिकर जॾहिं मिठा ठहंदा आहिनि। ईद त्योहारनि में असां काफ़ी सारी मिठी शयूं ठाहींदा आहियूं, आइसक्रीम्स ठाहींदा आहियूं, कुल्फियूं ठाहींदा आहियूं, कस्टर्ड ठाहींदा आहियूं, फ्रूट चाट क्रीमी ठाहींदा आहियूं, त उनमें तव्हां क्रीम जो इस्तेमालु कंदा आहियो। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम आहे, हिते आहे मशरूब मशरक रू अफ़्ज़ा, तमामु बहितरीन शरबत आहे रू अफ़्ज़ा, ऐं इहो 110 सालनि खां इस्तेमालु थींदो अचे पियो, मार्केट में अवेलेबल आहे, मिले पियो। ऐं 35 ममालिक में ॾाढो शौक़ सां पियो वेंदो आहे। हिते बि असां पाकिस्तान में अफ़्तारी में ख़ासि करे इहो शरबत ज़रूरु ठाहींदा आहियूं। ॿार जेके नंढा खीर नथा पीअनि, नंढा ॿार मतिलबु फीडर वारा न, ॿिया वॾा ॿार जीअं 3-4 सालनि जा, त उन्हनि खे तव्हां थोरो थोरो हिकु चमचो 2 चमचा गिलास में विझी मिक्स करे ॾींदो त फ्लेवर बि ॾाढो सुठो थींदो। ॿार बि शौक़ सां पीअंदा आहिनि कि खीर सां लस्सी सां बि ठाही सघो था। मलका फूड जी वसी रेंज आहे, जंहिंमें अदरक थूम जो पेस्ट आहे, बम्बई बिरयानी आहे, हुनजे अलावा चपली कबाब आहिनि, शामी कबाब आहिनि, दिल्ली निहारी, काफ़ी सारा मसाला आहिनि, सयूं आहिनि। हाणे ईद अचे पई त सयूं ठाहिणु सेखारिबियूं। खीरणी आहे जेको अॼु असां ठाहींदासीं, हुन सां गॾु एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, इहे सभु मार्केट में मिलनि पिया, तव्हां वठी सघो था। कोफ़्तनि जी रेसिपी असां ठाहियूं पिया, नोट कजो, 1/2 किलो कीमे में ठाहियूं पिया। वधीक ठाहिणा हुजनि त हर शइ तव्हां डबल कंदो, ठीकु आहे। ऐं सुबुह जो 9 बजे रिपीट हलंदो, स्क्रीन ते नंबर हले पियो, का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे, कॉल करे पुछी सघो था। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, फरमाइश थी कि कोफ्ते बनाना सिखाएं, आज कोफ्ते बना रहे हैं, 1/2 kg में बना रहा हूँ, आप 1 kg बनाएंगी तो फिर सारे मसाले हर चीज़ इन्ग्रीडियंट्स उसमें डबल हो जाएंगे। और जो कोफ्ते हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं तलो कुकिंग ऑयल, तलो बनस्पति घी के साथ, वाइटामिन ए डी और इससे भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूद है, बेहतरीन कुकिंग ऑयल, शानदार बचत के साथ मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तलो कुकिंग ऑयल में जब हम खाने बनाते हैं, अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम डेरी क्रीम, जिसमें हम फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट चाट क्रीमी, उसके अलावा दूध दुलारी है, क्रीमी चीज़ें काफ़ी सारी बनती हैं, योगर्ट्स में आप डाल सकते हैं, उसके अलावा कुल्फियाँ बनती हैं, आइसक्रीम्स बनती हैं, तो हम उसमें नेस्ले मिल्क पैक क्रीम डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती हैं। मशरूब मशरक रू अफ़्ज़ा, ग़िज़ाए से भरपूर मीठा ज़बरदस्त ये शरबत है, फलों और फूलों से और अरकियात से तैयार किया हुआ बेहतरीन शरबत है, आप ले सकती हैं, मार्केट में अवेलेबल है। मलका फूड की वसी रेंज है, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी अब मार्केट में आ गया है, ब्राउन ऑनियन है, उसके अलावा पिंक सॉल्ट है, मसाला जात हैं, बहुत सारे खीर मिक्स है, सवैयाँ हैं, एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, ये सब अवेलेबल हैं, आप ले सकती हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता चाहूँगा। ब्राउन प्याज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ब्राउन प्याज आपके पास नहीं है तो आप पिसा हुआ प्याज भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। 1 कप के करीब, 1/4 कप आपने ऑयल गरम करके आपने बड़े प्याज 2 निकाल देने या 3 मीडियम साइज़ के प्याज ब्राउन करके निकाल देने। ब्राउन प्याज से होता है टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। तो हम लेंगे चॉपर सबसे पहले कोफ्ते बनाने के लिए, एनएक्स का, ठीक है, एनएक्स जो चॉपर खणंदासी और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले, को फिक्स करके सेट करते हैं, ठीक है, अच्छी तरह साफ़ करके, उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें 3 अदद चॉप की हुई, हरा धनिया बग़ैर डंडियों के, ठीक है, पत्तियां लेनी है, स्टिक्स हटा देनी है वरना कोफ्ते टूट जाते हैं। इसमें 1/2 कप हरा धनिया चला गया, कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वाले सलाम, कैसे हैं भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हरिपुर से बात कर रही हूँ जी। कुछ कहना चाहेंगी? जी नहीं भाई, जी नहीं भाई, अच्छा बनाते हैं आपको। टीवी का वॉल्यूम आपका बढ़ा हुआ है, टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात किया करें, लाइन ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। हरा धनिया 1/2 कप, स्टिक्स हटा के पत्तियाँ डालनी, क्योंकि जो डंडियाँ होती हैं वो फिर कोफ्ते टूट जाते हैं, ठीक है।
हरी मिर्चें 3 अदद डाल दी हैं और इसको हमने डालना है इसमें ब्राउन प्याज। ठीक है, मेरे पास ब्राउन प्याज है, ये हम डाल देंगे इसमें कितना, 3 खाने के चम्मच जितना ब्राउन प्याज हमने डाल दिया, 3 खाने के चम्मच जितना, और इसको हम चला देंगे। चंगी तरह हलाइंदो ताकि सब शयूं मिक्स थी वञनि, सावा धाणा, सावा मिर्च, गाढ़ो बसर जेको आहे, इहो सभु चूरे वांगुरु सफ़ा मिक्स थी वञे। हाणे हिन में विझंदासीं 1/2 किलो कीमो। अच्छा, मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रहा हूँ, आप बीफ या मटन जो भी डालेंगी, कीमे में चर्बी नहीं होनी चाहिए, रूखा कीमा होना चाहिए। ठीक है, कीमे में चर्बी ना हुजे, रुखो कीमो हुजे, बग़ैर हॾी जे, मुर्गी जो खणी वठो, वॾे जो खणी वठो या बकरे जो खणी वठो। एक से 1.5 मिनट चढ़ाने के बाद आप इसमें मसाले डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, अदरक थूम का पेस्ट विझंदासीं इनमें, कोफ्तन में 1 खाने जो चम्मच, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, 1 खाने का चम्मच। ठीक है, उसके बाद हम इसमें मसाले क्या डालना है ये आपने नोट करना है। गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ पाउडर फॉर्म में 1 चाय का चम्मच। ठीक है, सब मिला के फिर ब्लेंड करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चम्मचों, हेड पीठल 1/2 चाय जो चम्मचो, गाढ़ा मिर्च पीठल 1 चाय जो चम्मचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, लूण 1/2 चाय जो चम्मचो, धाणा पीठल 1 चाय जो चम्मचो, गरम ज़ीरो कुटियल या पीठल 1 चाय जो चम्मचो। वरी नोट कराया पियो, गौर सां नोट कजो, पोइ मिस ना थियणो छे। हिते गरम मसालो पाउडर आहे 1/2 चाय जो चम्मचो, हेड 1/2 चाय जो चम्मचो, पीठल गाढ़ा मिर्च ऐं कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, लूण 1/2 चाय जो चम्मचो, धाणा पीठल 1 चाय जो चम्मचो, ज़ीरो पीठल या कुटियल 1 चाय जो चम्मचो। ये सब मसाला हिन में हलिया वेंदा, सारे मसाले आपने डाल दिए। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच दही, 1 टेबल स्पून दही डाल दी। ठीक है, 1 टेबल स्पून दही डाल के मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूँगा। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक देने का पहले था मुझे को मसालो पीसे हो ही कड़ी छो। ठीक है, जो मसाला पीसा था इसको आपने निकाल देना है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल मलाई की तरह होना चाहिए, इसमें बिल्कुल दाना नहीं होना चाहिए और गोश्त अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कीमा जब आप लें तो रूखा कीमा आपने लेना है, मीन्स के उसमें पट्ठे होते हैं, चर्बियाँ होती हैं, तारों वाली, ऐसा कुछ नहीं, वरना कोफ्ते आपके अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, ये हो गया सारा। निकालने के बाद हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला पाउडर, मैं डालना भूल गया था, तो 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय जो चम्मचो। अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, इसको बाइंडिंग करने के लिए चने का पाउडर, भुने हुए चने जो होते हैं उसका हम पाउडर इसमें डालेंगे। कितना, 1/2 किलो हैं तो इसमें 6 खाने के चम्मच, 5 से 6 टेबल स्पून चनों का पाउडर, लेकिन अच्छा पिसा होना चाहिए, इसमें दाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, भुगड़न जो पाउडर, भुगड़ा छिलियल जो होता है उन जो पाउडर 1/2 किलो कीमे में 4-5 खाने जा चमचा, और अगर 1 किलो कीमो है तो 8 खाने जा चमचा। ठीक है, भुगड़ा छिले उनको पाउडर करे छो, इनके असा कीमे में मिलाईंदी। इनका ये बाइंडिंग एजेंट है, इन सा कोफ्ता टुटंदा ना। ठीक है, ये बाइंडिंग एजेंट होता है, इससे कोफ्ते टूटते नहीं और अच्छे बाइंड हो जाते हैं और बहुत अच्छे कोफ्ते बनते हैं। ठीक है, लेकिन चनों का पाउडर, अगर चनों का पाउडर नहीं है तो बेसन आपने ले लेना है सेम क्वांटिटी में, 5 से 6 टेबल स्पून। बेसन को रोस्ट करेंगे, जलना नहीं चाहिए बेसन, हल्की आंच पे रोस्ट करके ठंडा करके आपने फिर वो मिला देना है। लेकिन चने का पाउडर जो होता है ये ज़्यादा बेस्ट होता है भुने हुए चनों का। ये देखें, अब बिल्कुल परफेक्ट हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। ठीक है, थोड़ा मैं इसमें और डालूँगा, 1 खाने का चम्मच, ये हो गया 6 खाने के चम्मच, 6 खाने जा चमचा भुगड़न जो पाउडर इनमें मिलाए छो, 6 टेबल स्पून चनों का पाउडर आप मिलाएंगे
और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा कोफ्तों का मसाला बन गया। ठीक है, ऑयल से हाथ गीले करके आपने कोफ्ते बनाने। ठीक है, ऑयल लेंगे, ऑयल से हाथ गीले करके आपने कोफ्ते बनाने, फिर अच्छे कोफ्ते बनेंगे, वरना क्या होता है इसका मिक्सचर हाथ पे चिपक रहा होता है। थोड़ा 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया, 1 प्लेट खड़ू था आई पो कोफ्ता ठंड शुरू क्यों था। ठीक है, 1 प्लेट लेते हैं, प्लेट में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई कर लें प्लेट को, इसको मैं थोड़ा ड्राई कर दूँ, पानी नहीं हो कोफ्ता, फिर पानी में टूटना शुरू हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों पे ऑयल ग्रीस करना है अच्छी तरह, ऑयल ग्रीस कर दो चंगी तरह हथ ते, फिर तां कोफ्तन जो मिक्सचर खड़न दो। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट इस तरह प्रेस करना है अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर क्रैक ना आ रहा हो, बिल्कुल स्मूथ कोफ्ता बनेगा। ये देखिए, मीडियम साइज़ का कोफ्ता होना चाहिए, छोटे ना हो ज़्यादा बड़े ना हो। ठीक है, 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून जितना आपने मिक्सचर लेना है, 3 खाने के चम्मच जितना मिक्सचर लिया, अच्छी तरह पहले हाथ पे यूँ किया, फिर आपने कोफ्तों का राउंड शेप बना लिया, स्मूथ कोफ्ते बनने चाहिए। एक दफ़ा जब हम इसको डालेंगे मसाले में, फिर एक दफ़ा हाथ से सेट करेंगे। ठीक है, हथ ते ऑयल लगाई दो, कोफ्ता ठाईंदा वेंदो। आई हैदराबाद में भी हुई फरमाइश मिसेस रुखसाना जी, ताहिर कोफ्तन जी रेसिपी आई बटर ब्यू भी फरमाइश हुई, कोफ्ता ईद में वो भी ठाईंदा है सब, तो इन तरीके से चंगी तरह इनके प्रेस करे पो ठाईंदा सी। कराची से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कौन बात कर रहे हैं? सर मैं मुर्तजा बात कर रहा हूँ कराची से। जी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था चिकन पुलाव का अगर किसी दिन आप कर लें। चिकन खड़ा मसाला? जी चिकन पुलाव। चिकन पुलाव कह रहे हैं? जी जी चिकन पुलाव हम कल बना रहे हैं, आप देखिएगा। ठीक है, देगी यखनी पुलाव कल देख लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, कल बनेगा देगी यखनी पुलाव, वो देखिएगा। दम बिरयानी मैंने बनाना सिखा दी थी आप लोग को, इसको मैं अच्छी तरह यूँ हाथ से प्रेस कर रहा हूँ, क्या होता है कि क्रैक्स नहीं पड़ते, अच्छी तरह आपने गोल करके कोफ्ते बनाने। इन तरीके से पोहिंजी असा ग्रेवी ठाईंदासी, हुन खां पोइ असां खीरणी ठाहींदासीं। खीरणी कंहिंजी आहे? मलका फूड जी। मलका फूड जी रेसिपी हर जगह मिले पई जा पैकेट्स मिलंदा आहिनि, खीरणी ईद अचे पई त तव्हांखे ठाहिण सेखारियूं पिया। तो ये 6 आपके 10 कोफ्ते बन जाएंगे, 10 से 12 कोफ्ते आधा किलो में। ठीक है, और अगर 1 किलो गोश्त है तो 24 से 26 कोफ्ते बन जाएंगे आपके। हाथ पे अच्छी तरह आपने लगा देना है ऑयल, उससे क्या होगा कोफ्ते हाथ में आपके चिपकेंगे नहीं। ठीक है, चंगी तरह ऑयल लगाई दो तो कोफ्ता तांजे हथ में चिंबड़ा कौन, बिल्कुल ही परफेक्ट ठंडा। 6 7 8 9 मां बल्कि वड़ा करी छड़िया तो 10 थन पिया, बिल्कुल एक साइज़ के रखें। ये एक बड़ा लग रहा है तो इसमें से थोड़ा गोश्त निकालेंगे, जो जो बड़े हों इस तरह चेक करना है। ये भी मुझे बड़ा लग रहा है, क्योंकि ये जब हीट पे जाते हैं मसाले में तो थोड़े से फूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपको बड़े लग रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हम गोश्त निकालते जाएंगे। मैं वरी चेक किया पो जेका मुझे वड़ा लगन पे मैं थोड़ा थोड़ा मां कढ़ी उनके एक साइज़ जो इक्वल करा पो। 6 7 8 9 10 ठीक है, 10 कोफ्ते बन रहे हैं, आप 12 भी बना सकती हैं छोटे करके। कोफ्ते बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बनाने 1 किलो के बना के आप फ्रीज़ कर दें, जब आपने बनाना होगा आप 20 मिनट पहले निकालेंगे, ग्रेवी बनाएंगी, कोफ्ते उसमें डाल देंगे और वो पकते रहेंगे उसी तरीके से जैसे ये कोफ्ते पकेंगे। ठीक है, अगर फ्रीज़ करना चाहो था तो इनके ठाई तुम फ्रीज़ कर छोड़ो, आई जडे तांके ठाणा 20-25 मिनट पहले कढ़ी रखंदो आई बस पो जी ग्रेवी ठाइंदो ओडी माली ता उनके विजी आई 20 मिनट कढ़ियल हुजन वधी ही ना कजो के उनके कलाक बाहर कढ़ी रखी छोड़ो, पानी छडंदा नरम थींदा आई पो भुरजी वेंदा तांजा कोफ्ता। ठीक है, पानी छोड़ेंगे टूट जाएंगे फ्रोजन कोफ्ते, ज़्यादा उसको रखने ना, 20 मिनट रखें उसके बाद आप ग्रेवी में डाल दें। अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं तलो कुकिंग ऑयल के साथ। ठीक है, तलो कुकिंग ऑयल से अगर ठाई हूँ तो ग्रेवी,
इसके लिए हमने लेना है चौड़े पैंदे वाला पतीला, थोड़ा खुला होना चाहिए। बिल्कुल छोटा पतीला होगा तो कोफ्ते एक दूसरे के ऊपर टूटना शुरू हो जाते हैं लग के, ठीक है। तो इसमें पानी है, वॉश हुआ होता है, तो इसको ड्राई कर लें पानी खुश करके, फिर आप ऑयल डाला करें, ठीक है। पानी खुश करें, गर्म करें, बैठो हाणे संजे अंदर विझंदासीं कुकिंग ऑयल अधु कप, आधा कप तलो कुकिंग ऑयल, ठीक है। आधा कप तलो कुकिंग ऑयल डाल दिया। प्याज ऑलरेडी ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ, आपने क्या करना है पौना कप ऑयल गरम करके उसमें दो बड़े प्याज डाल के आपने निकाल देने, ठीक है, ब्राउन करके फिर हम ब्राउन प्याज यूज़ करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने एक कप प्याज का पेस्ट लेना, यानी दो मीडियम साइज़ के प्याज जूस है ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लें थोड़े पानी के साथ, उसको भी डाल के आप ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं बना रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे साबित गरम मसाला, एक अदद तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, दो से तीन छोटी इलायची और चार पाँच अदद लौंग, एक तेज़पत्तो, ठीक है, एक वड़ो फोटो, टे नंढा फोटा, चार पपंज लौंग, इनमें विझी जो दाग ठाहींदासीं। बस ये गरम मसालो वेंदो, बाक़ी पीठल असां इस्तेमाल कयूं था, ठीक है। ज़्यादा इसमें गरम मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ तेज़पत्ता एक, बड़ी इलायची एक, छोटी इलायची दो से तीन, लौंग पाँच छः अदद, बस ये डाला। साबित काली मिर्च वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी का हमने भगाड़ देना है, ठीक है, जो दाग ठहंदो। ऑयल गरम किया, भगाड़ बना। अब हम इसमें क्या डालेंगे, टमाटर, ठीक है। टमाटर मैं डाल रहा हूँ इसमें कितने, दो छोटे या एक बड़ा टमाटर, बिल्कुल फाइन चॉप करके, टमाटर भी जंदा से बिल्कुल बारीक कटिंग करें। पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट में नहीं डाल रहा हूँ, इसी में कम्प्लीट हो जाएगा, ये बन जाएंगे, गल भी जाएंगे जब तक हम मसाले डाल के भूनेंगे, ठीक है। टमाटा विधा, टमाटा विझी टमाटर के 2 मिनट पचाईंदासीं, टमाटा नरम थियण लॻंदा, त पोइ असां हिते छा कंदासीं, दही के फेटंदासीं, दही को बीट करेंगे अच्छी तरह। एक कप दही आपने लेना है, ठीक है, एक कप दही है बग़ैर मलाई के, और दही खट्टा नहीं हो ज़्यादा, नॉर्मल दही होना चाहिए। रखा हुआ दही होता है वो खट्टा हो जाता है, शॉपर में जो बांध के रखते हैं, फ्रेश दही इस्तेमाल करें। एक कप दही पूरा, ठीक है, या एक प्याली दही, अच्छी तरह इसके आपने लम्स ख़त्म करने, चंगी तरह दही के फेटे छोड़ो, ठीक है। टमाटर नरम हो रहे हैं, हल्की आंच कर देते हैं, टमाटर ऑयल में फ्राई हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं डाल दूंगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून अदरक थूम जो पेस्ट हलियो वियो। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, एजाज का गला है हैदराबाद का। जी जी, कुछ चेंज चाहिए दो। एजाज शाह का गला है हैदराबाद का। सर ये तव्हां कड़ी पत्ते के बारे में मालूम करो, तो कड़ी पत्ते जो तव्हां सर मुझे बुधाई ना, मेहरबानी करे। कड़ी पत्ते के बारे में छा मालूम करणो आ सर? कड़ी कीअं ठाहिबी, मतिलबु त इहा दाल बि हिन में थींदी आहे या ख़ाली कढ़ी पतो जीअं ठहंदो आहे तीअं ठाहींदा आहिनि? मां सम्झो सां तव्हांजी ॻाल्हि, कढ़ी पता त वण हूंदो आहे न, जो पौधो मिलंदो आहे। टीवी जो वॉल्यूम बंदि करे छॾो, पोइ ॻाल्हाइजो। टीवी जो वॉल्यूम बंदि करे छॾो, टीवी जो वॉल्यूम बंदि करे छॾो, पोइ ॿुधाइजो, पोइ ॻाल्हाइजो। कॾहिं बि टीवी जो वॉल्यूम खोले न ॻाल्हाईंदा कयो। टमाटर नरम हो रहे हैं, मैंने तो कवर कर दिया। यहाँ पे हमने ले लेना है दही 1 कप। इसमें मसाले मिलाएंगे, दही में पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। हमेशा कहता हूँ कश्मीरी लाल मिर्च से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है, ठीक है, तो ये मिल जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ठीक है। ये डालने के बाद जायफल जायत्री का पाउडर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा कुटावा या पाउडर फॉर्म में 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर नमक 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, जायफल जायत्री का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। पीठल गाढ़ा मिर्च हेड 1 चाय जो चमचो, कश्मीरी गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो। अगर कश्मीरी गाढ़ा मिर्च ना ही तंहिंजे बग़ैर बि ठहींदो, लेकिन अगरि तव्हांखे कुकिंग जो शौक़ु आहे त कश्मीरी गाढ़ा मिर्च या देगी गाढ़ा मिर्च वठी रखो, हर जॻह मिली वेंदा। इनका कलर सुठो ईंदो आहे, महांगा बि नथा हुजनि।
ठीक है। पीठल गाढ़ा मिर्च, हेड कश्मीरी गाढ़ा मिर्च, कुटियल गाढ़ा मिर्च चारों शयूं एक एक चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो, धाणा पीठल ब चाय जो चमचा, ऐं जायफल जैत्री जो पाउडर भी मिले तो साबित भी मिले तो वो तुम्हारी मर्जी है कि ठाए तो। जायफल जैत्री जो पाउडर एक चाय जो चमचो, धाणा पीठल एक चाय जो चमचो। अगर जायफल जैत्री नथी मिले तुम्हारे इलाके में तो उनके बगैर भी ठाई सको था, ठीक है। जायफल जैत्री बहुत अच्छे इसमें फ्लेवर देती है, खुशबू आती है, जायका आता है। और इन केस अगर नहीं मिलती आपके इलाके में या नहीं आपके पास तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन जायफल जैत्री से खानों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको हमने पेस्ट बना लेना है दही के साथ मसालों का, ठीक है। दही में ताजा मसाला मिला इस लिया, टमाटर नरम हो गया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था कि टमाटर जल ना जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, साबित गर्म मसाला डाला। अब ये दही का सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे, दही जो सजो मिक्सचर इनके अंदर बिछना से, ठीक है। दही का सारा मिक्सचर आपने उतार देना, इस प्याली को साथ ही रखें, अभी इसी में हम पानी डाल के इसकी ग्रेवी में डालेंगे। हाँ ये थोड़ा वेजो का दिखा दो, मसाला डाला इनके भुजंदी एतरो के इनके अंदर कलर अच्छी बने, ठीक है। इतना भुने कि ये पूरी ग्रेवी तैयार हो जाए, अच्छी तरह आपने इसकी भुनाई करनी, चंगी तरह इनके भुजन दो, मसालो जडे तुम दो चंगी तरह भुंजी वने, टमाटर के चंगी तरह मिक्स कजो, कोपी साबित ना रहे, ठीक है। टमाटर अच्छे से गल जाए और ये मसाले की ग्रेवी अच्छी से तैयार हो जाए। इसको भुनाई करते हुए अब हम इसमें डालेंगे पानी, कितना, डेढ़ गिलास, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, चार कप डाल दें या डेढ़ गिलास पानी, उसी प्याली में पानी डाल के जिसमें मसाला और दही थी, ठीक है। मसाले के भुनण का पोए तुम छाकंदो इन अंदर विझंदो पानी, ऑयल मथे अची वने, चंगी तरह भुनाई कजो, अच्छी तरह भूनना है जैसे ऑयल इसका ऊपर आ जाए, कच्चापन मसाले का ख़त्म हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, ठीक है। एक प्याली डाली और ये मैं इसमें डाल रहा हूँ डेढ़ गिलास जितना पानी, ठीक है। बस डेढ़ गिलास पानी डाल के इसमें बॉयल आने देंगे, जब इसमें अच्छी सी बॉयलिंग आएगी फिर जो हमने कोफ्ते तैयार किए हुए हैं ये रख इसमें डालेंगे। आखिर में ब्राउन प्याज जाएगा पीस के, ठीक है। ब्राउन प्याज आखिर में पीस के इसमें डालेंगे, साबित नहीं जाएगा, ठीक है। गाढ़ो बसर पीसे विझंदी हाँ कोफ्तन के अगेन में हथ से वापस सेट किया पे जैसे तक इनमें बॉयलिंग अच्छे पे, जब तक इसमें बॉयलिंग आएगी कोफ्तों को एक दफ़ा अच्छी तरह दोबारा हाथ से सेट कर दें, राउंड शेप बना दें, क्योंकि रखने से प्लेट पर वो थोड़े फ्लैट भी हो जाते हैं नीचे से, ठीक है। तो इस तरह कोफ्तों को एक दफ़ा दोबारा राउंड शेप दें, जब तक पानी हमने यहाँ पे रखा हुआ है इसमें डाला हुआ और इसमें बॉयलिंग आने दें, ठीक है। इसको कवर करूँ ताकि इसके अंदर अच्छी सी बॉयलिंग आ जाए, हीट बने, उसके बाद हम इसमें कोफ्ते डालेंगे और 25 मिनट तक इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। पहले तेज़ आँच पर पकाएंगे ताकि कोफ्ते जो हैं हार्ड हो जाएँ, ठीक है, जगह पकड़ लें, ग्रिप पकड़ लें। उसके बाद फिर हमने हल्की आँच करके 5 मिनट के बाद इसको 20 मिनट 18 मिनट आपने हल्की आँच पे छोड़ना है ताकि कोफ्ते आपके पक जाएं और अच्छी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। फिर आखिर में हम इसमें ब्राउन प्याज पीस के डालेंगे, ठीक है। गाढ़ो बसर पीसे विझंदी उनका छा थो पेस्ट इनजो घाटो थो कोर में वगैरह इनजो फ्लेवर ठो टेस्ट इनो, ठीक है। अच्छी तरह मैं इसको राउंड कर रहा हूँ क्योंकि पहले बना के जो हम रखते हैं तो वो थोड़े फ्लैट हो जाते हैं नीचे प्लेट पर रखने से, ठीक है। तो जब हम इसको डालेंगे इसमें, अब मैंने कवर किया हुआ, अच्छी से इसमें बॉयलिंग आ जाएगी शोरवे में, उसके बाद इसमें कोफ्ते डाल देंगे। ये मैंने सारे राउंड कर दिए हैं, इसमें अच्छी सी बॉयलिंग आ गई है। अब कोफ्ते हम इसमें डालना शुरू करते हैं मीडियम फ्लेम करके, ठीक है। थोड़ी बाहर घट कर दो उसमें फुल कई भी। अब ये कोफ्ते दूर दूर करके अपने आराम आराम से इसमें डालते जाना है, आराम आराम से सजा कोफ्ता इनमें भिजन दो, परे परे करे रख जो। आराम आराम से टूटे ना कोफ्ता हाथ से, बहुत एहतियात से आपने इसमें छोड़ देना है। अब चूल्हा थोड़ा तेज़ रखना है, इसमें बॉयलिंग आएगी और पतीले को कपड़े से पकड़ के आपने हिलाना है, ठीक है। पतीले के कपड़े सा झली तथा इनके लोडन दो आस्ते आस्ते, अभी मैंने इसका कवर नहीं किया हुआ, ठीक है। इसको पकने देते हैं। अब ब्राउन प्याज जो है इसको फिर हम करेंगे ग्राइंड, ग्राइंडर में डाल के, ठीक है। एक कप जितना था ब्राउन प्याज जिसमें से मैंने थोड़ा उसमें डाल दिया था और बाकी प्याज को हम यहाँ पे पीस लेंगे, अगर है ना है तो उखरी मोरी में भी पीसे विजी सको था, ठीक है।
ब्राउन प्याज ले लिया और इसको पाउडर करके दरदरा सा कूट के आपने डालना है। ठीक है, ये ॾिसो बेहतरीन असांजो बसर तैयार थी वियो, काफ़ी है तो। ठीक है, ये एक कप से थोड़ा कम होगा, बहुत ज़्यादा डालेंगी तो फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आ जाएगा सालन में, तो इसलिए नॉर्मल रखें प्याज को। ये समझे हमारे तीन प्याज का वो है ब्राउन किया हुआ। ठीक है, तीन प्याज जब हम ब्राउन करते हैं तो श्लेंग हो जाते हैं, तो ड्राई हो जाता है, तो इस तरह हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ के आपने हिलाना है पतीले को, इस तरह हिलाएंगे, कोफ्ते ऊपर नीचे मिक्स होते जाएंगे। ठीक है, तेज़ आंच करके इसको पकने देंगे, एक दफ़ा इसको छोड़ देते हैं। अब इसको 10 मिनट इसी तरह पकने दें तेज़ आंच पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पकते रहेंगे ये सख्त हो होते जाएंगे। ठीक है, सख्त थींदा वेंदा। गरम मसालो, ब्राउन बसर, सावा मिर्च और उनके अलावा सावा धाणा असां में बाद में ऐड कंदासीं। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे एक मीठा, जो हम बना रहे हैं मलका फूड की तरफ से जो खीर मिक्स है, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, फौरन क्विक बनने वाली रेसिपी, तो ये हम बनाते हैं अब मलका फूड जी खीरणी। ये पैकेट है असां वटि हिते, खीर मिक्स है मलका, द क्वीन ऑफ टेस्ट। ठीक है, इसके पीछे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ, एक लीटर दूध, थोड़ा सा पिस्ता बादाम और खीर मिक्स पूरा, और केवरा वाटर हम थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है, ये एक लीटर दूध में ये पूरा खीर मिक्स जाता है, एक लीटर खीर में ये सजो खीर मिक्स हलियो वेंदो आहे। ठीक आहे, तव्हां करे सघो था, आराम सां मिली थी वञे ईद जे लाइ। बाक़ी इनशाला सुभाणे असां ठाहींदासीं यखनी पुलाव, देगी यखनी पुलाव ठाहींदासीं, फ्रूट कस्टर्ड बाक़ी आहे, ऐं ईद जी ॿ सुठियूं सुठियूं रेसिपीज़ आहिनि, डिशेज़ ठाहींदासीं मिठे में, हुनजे अलावा पोइ कढ़ायूं वग़ैरह बाक़ी शयूं बि बाक़ी आहिनि, कबाब्स आहिनि कुझु। ठीकु आहे, अब ये कोफ्ते देखें इस तरह हार्ड होना शुरू हो गए, ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये देखें एक हार्ड हो गया है कोफ्ता, इस तरह ये ख़ुद ब खुद हार्ड हो जाएंगे, और कोफ्तों को ज़्यादा आप नहीं घुमाएंगे। ठीक है, ये टूटना शुरू हो जाएंगे, क्रैक्स आएंगे। अभी मैंने 5 मिनट इसकी आंच तेज़ रखी ताकि अच्छे से कोफ्ते का जो गोश्त है वो अंदर से अच्छा सा पकने लगे। उसके बाद हम इसको 20 मिनट 15 मिनट 18 मिनट हल्की आंच पे छोड़ेंगे। चिकन के कोफ्ते जल्दी बन जाते हैं, बीफ और मटन के जो कोफ्ते होते हैं उसको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, चिकन जा कोफ्ता जल्दी ठहींदा है, बीफ और मटन जा जेके कोफ्ता हैं उनके टाइम लगंदो आ। अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन प्याज, 5 मिनट ऑलमोस्ट होने लगे। ठीक है, तो ये ब्राउन प्याज जो मैंने करके रखा था ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, गाढ़ो बसर इनके अंदर ऐड करे छंदासीं, पीठल ब्राउन प्याज डाल के आपने इसको मिक्स करना है, ये खुद ही इसमें गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, शोरबे को गाढ़ा कर देगा, ब्राउन प्याज मिला दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, आधे चाय जो चम्मचों गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ब्राउन प्याज डाल दिया, और अब इसको हमने रख देना है हल्की आंच पे, पकने देना है 20 मिनट के लिए। बाद में जब 5 मिनट रह जाएंगे फिर हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के इसको दम पे लगाएंगे। ठीक है, ब्रेक जो टाइम थे अपनी शॉर्ट ब्रेक पर टूँ था, ब्रेक का पहुँची रेसिपी कंटिन्यू करता हूँ। हरा धनिया आप इसमें डाल देंगे कितना, 2 से 3 खाने के चम्मच, ये डाल के आपने इसको दम पे लगा देना है 5 मिनट के लिए। हरी मिर्चों का कलर चेंज हो जाएगा, आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 25 मिनट हमने कोफ्तों को पकाना है। ठीक है, हाने मैं इनके दम ते लगाई छोड़ो आ 5 मिनटन 5 खां 8 मिनटन ताईं दम ते रहंदा, और जेसि ताईं असां हिते खीरणी ठाहियूं था। अब हम यहाँ पे बनाते हैं खीर। ठीक है, खीर हमने कौन सी बनानी है, यहाँ पे हम बना रहे हैं मलका फूड की खीर मिक्स। इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, दो भी मैं बता देता हूँ, चीनी है, चावल है, बादाम है, पिस्ता है, इलायची, केवड़ा वाटर सब इसके अंदर ऐड है। ठीक है, इनमें खंड है, चांवर आहिनि, पिस्ता बादाम आहिनि, इलायची आहे नंढा फोटा, ऐं केवड़ा एसेंस इन जे अंदरि विधल आहे, त हीउ पूरो ज़बरदस्त असांजो खीर मिक्स मिले पियो मलका फूड जो। हीउ वठी सघो था, ईद लाइ बहितरीन तव्हांजी रेसिपी तयारु थी वेंदी। ठीकु आहे, इसको खोल लेते हैं, ये अंदरि से देखें पूरा पैकेट निकल आया, 1 लीटर दूध का बॉयल हो गया, दूध थोड़ा गिर गया, कोई बात नहीं, खीर बॉयल थी हुई और चंगी तरह। ठीक है, मैंने 1 लीटर दूध यहाँ पे बॉयल करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे हमने ले लेना है 1 स्पून, और उसके साथ ही इसमें हमने डाल देना है खीर मिक्स। ठीक है, मलका का खीर मिक्स ये पूरा डालेंगे इसके अंदर पैकेट,
देखें इस तरह का, इसके अंदर पिस्ता बादाम सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये वेजो का रिकार्ड जो है सर, जो ड्राई फ्रूट खंड चावर सब इनके अंदर ऐड हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं। ये एक लीटर दूध में पूरा एक पैकेट जाएगा और 20 मिनट 18 मिनट इसको लगते हैं पकने में। अब इसको हल्की आंच पे आपने पकाते रहना है। खोया डालना चाहें तो आप एडिशन करने के लिए इसमें हाफ कप खोया भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको पका के गाढ़ा करना है और ठंडा करना है, ऊपर से पिस्ता बादाम डाल दें और ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। केवड़ा वाटर, इलायची, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जब पैकेट खोला तो इसमें से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ठीक है। पैकेट खोलियो है, ज़बरदस्त इनमें खुशबू अच्छे पे, इनमें का शे विझण की ज़रूरत ना आए। अं तमाम बेहतरीन खीरणी हल्की बाहे ते ही पचंदी लजीज अंजी मलका जी खीर मिक्स, ठीक है। लजीज खीर मिक्स है, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी खुशबू इसके अंदर आ रही है। केवड़ा वाटर मैंने निकाला था कि हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। केवड़ा वाटर हम सिर्फ कोफ्तों में थोड़ा सा डालेंगे आखिर में, ठीक है। वैसे हरी मिर्चों का कलर चेंज होगा तो इसको हम डिश आउट कर देंगे। थोड़ा सा केवड़ा वाटर, हाफ टी स्पून से भी कम, फ्यू ड्रॉप्स मैं इसमें डालूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोरमा नहीं है। कोरमे में हम डालते हैं, बिरयानी में डालते हैं, लेकिन कोफ्तों में भी डालें तो बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर और एक खुशबू आती है, ठीक है। हल्को सफ़ा अध ढकनी विझनी है इनके अंदर केवड़ा वाटर। मैं ये दिखा भी देखता हूँ, देखें ऐसा होता है केवड़ा वाटर। कंपनी का नाम इस पर नहीं है, आप इस तरह देख सकते हैं। इस तरह ये लिक्विड होता है और ग्रीन कलर का इसका ये टैग होता है ज़्यादातर, ठीक है। लाल इस तरह बोतल होती है, छोटी भी मिलती है, बड़ी भी मिलती है, केवड़ा वाटर होता है। अक्सर तक चाहिए केवड़ा वाटर छा हों, इन टाइप की बोतल होंगी है, साई कलर की, ठीक है। ये पैकेट उन्हीं हों, केवड़ा वाटर लिखल हों, तां वठो, ॾाढो सुठो पानी हों, इनकी खुशबू ॾाढी सुठी होंगी है। मिठन में, जर्दे में, काफ़ी शयन में असं इस्तेमाल कंदा आहियूं, बिरयानी में भी वेंदो आहे, त ही वठी रखो। अहिड़ी शयूं घर में हुजणु खपनि। अब इसको पकाते हुए हमने गाढ़ा करना है, स्पून चलाते रहें, क्योंकि चावल में स्टार्च होता है तो नीचे से लग जाता है। टाइम केतिरो आहे त मां रेसिपी रिपीट कराए छॾां कोफ्तनि जी। कोफ्तों की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। कोफ्तों के लिए हमने आधा किलो कीमा लेना, कीमा लेना है बीफ, मटन या चिकन का, ठीक है। उस बिल्कुल रूखा कीमा होना चाहिए, बगैर चर्बी के, तो उसको आपने चॉपर में डालना है। लेकिन उससे पहले आपने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, 4 से 5 खाने के चम्मच हरा धनिया और ब्राउन प्याज आपने हाफ कप या 4 खाने के चम्मच डाल के पहले चॉपर में चला देना। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने कीमा डाल के आपने चलाना है अच्छी तरह। जब कीमा उसमें मिक्स हो जाएगा, चॉपर में चल जाएगा, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये सारे मसाले डाल के फिर उसको आपने चलाना है, अच्छी तरह चलाना है और दही डाल देनी है 1 खाने का चम्मच। दही से क्या होगा, नरम हो जाएंगे कोफ्ते, थोड़े मॉइस्चर सा बनेगा। चला के अच्छी तरह पीस के फिर आपने निकाल देना है। उसमें फिर आपने चनों का पाउडर, भुने हुए चनों का पाउडर 5 से 6 खाने के चम्मच, या फिर बेसन भुना हुआ, बेसन को 5 से 6 खाने के चम्मच फ्राइंग पैन में भून के ठंडा करके फिर आपने बेसन डालना, जलना नहीं चाहिए बेसन। वो डालने के बाद आपने क्या करना है, वो डालने के बाद आपने मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करके फिर हाथ पे ग्रीस करके ऑयल और कोफ्ते बना लेने 10 से 12 अदर, ठीक है, आधा किलो में। और अगर 1 किलो कोफ्ते बनाएंगी तो 1 किलो गोश्त होगा, तो सब चीज़ें जितनी मैंने क्वांटिटी बताई सब डबल हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने कोफ्ते बना के रख देने, उसके बाद ग्रेवी बनानी है। उसके लिए आपने प्याज आपने पहले ही 3 अदद ब्राउन कर देने हैं बड़े, 1.25 कप ऑयल में, तो उसी में से थोड़ा प्याज हमने उसमें डाला था, बाकी 1/2 कप से ज़्यादा प्याज आपके पास होना चाहिए ग्रेवी के लिए, ठीक है। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम प्रोफेसर भाई, क्या हाल है, सब खैर? बिल्कुल ठीक ठाक जी, केने किथा गलाओ पया? प्रोफेसर भाई मैं हैदराबाद से बोल रहा हूं जी, अली मोहम्मद शाह के वालिद से बोल रहा हूं, हैदर शाह जी, कुछ जानना चाहिंदो? हां प्रोफेसर भाई का ज्यादा सस्ता सीसीटीवी की बात है, असन का शौक था दिखना है, ताजो ये तो गला जो स्टाइल जो असन तमाम घर वांदो है। मेहरबानी, को फरमाइश है ता जी। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल गरम करना है। ऑयल में आपने 1 तेज़पत्ता, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4-5 अदद लौंग का भगार बना के फिर आपने उसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 से 2 खाने के चम्मच, 1 बड़ा टमाटर फाइन चॉप करके या पेस्ट बना के आपने डाल देना है। उसको भूनना है, खुशबू आने लगेगी। तो आपने 1 कप दही लेना है, उसमें पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च
कलर देने के लिए होता है। ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, ठीक है, कुटी लाल मिर्च पीसी लाल मिर्च एक एक चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, उसके बाद धनिया पाउडर भर के दो चाय के चम्मच, जायफल जावित्री का पाउडर एक चाय का चम्मच और जीरे का पाउडर आप डालेंगे एक चाय का चम्मच। सब चीज़ें दही में मिला के आपने क्या करना है कि उसको अपने ऑयल में डालना है और भूनना है, ठीक है, ऑयल में डाल के भूनना है। भूनने के बाद जब आप देखेंगे मसाला भून जाएगा, उसमें आपने 4-5 कप पानी डाल देना है। पानी डाल के आपने इसमें बॉयलिंग आने देनी है। उसके बाद आपने इसमें कोफ्ते डाल देने हैं। कोफ्ते डाल के तेज़ आंच करनी है। जब अच्छी सी बॉयलिंग आएगी कोफ्ते डालेंगे, तेज़ आंच पे इसको पकने देंगे और कपड़े से पकड़ के पतीले को हिलाना है ताकि कोफ्ते टूटे ना। स्पून चलाने से कच्चे होते हैं, जब वो हार्ड होंगे फिर आप उसमें स्पून चला सकती हैं। पलटाएंगे उसको कपड़े से 2-3 दफ़ा घुमा के, फिर आपने कवर करके उसको 20 मिनट हल्की आंच पे छोड़ देना है, ठीक है। और फिर जो ब्राउन प्याज बचा हुआ था उसको पीस के वो डाल देना है। जब 15 मिनट हो जाए ब्राउन प्याज डालना है, उसको मिक्स करना है, फिर कवर कर देना है, 5 मिनट पकने देना है, ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। फिर आखिर में हरा धनिया 2-4 खाने के चम्मच, 3 खाने के चम्मच बारीक कटिंग करके, साबित हरी मिर्चें 6-8 अदद आपने डाल देनी है। और उसके साथ आपने क्या डालना है इसमें, केवड़ा वाटर आधा चाय के चम्मच से भी कम केवड़ा वाटर डाल देना है और दम पे लगा देना है 5 मिनट। जब दम आ जाएगा ज़बरदस्त समय कोफ्ते तैयार जाएंगे, इसको डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। खीरणी असें तैयार थे पे थे जी ही घाटी थींदी तो असें इनके डिश आउट करनासी, ठीक है। खीर हमारी तैयार हो रही है, तकरीबन 15-20 मिनट इस पर लिखा हुआ है पैकेट पे, तो ये गाढ़ी हो जाएगी तो आपने इसको निकाल देना है। कोफ्ते हम डिश आउट कर देते हैं। कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं तो कोफ्तों को हम डिश आउट करते हैं। ठीक है, ये देखें कितने ज़बरदस्त बने, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है इसकी। इसको निकालते हैं डिश में, पानी नहीं होना चाहिए, जो भी डिश आप इस्तेमाल करते हैं उसमें पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जेका भी डिश तुम इस्तेमाल कंदा हो खादे जिला सालन कढ़ला उनमें पानी ना होजन खपे, बस इन शे जो ख्याल रखा कर। पानी ऐसा छा कंदा सी ताका कोफ्ता कढूं था, ये देखें परफेक्ट हमारे कोफ्ते बने और साइज़ में भी बड़े हो जाते हैं पकने के बाद, ठीक है। बाइंडिंग होती है तो ये फूल जाते हैं, जैसे मसाला जाता है और इसके अंदर जब हम डालते हैं ये चनों का पाउडर तो उससे कोफ्तों का साइज़ थोड़ा बाइंड होकर बड़ा हो जाता है, ठीक है। कोफ्ता लाई था, चलो उनके बाद इनमें ग्रेवी भी छिछना से। खुशबू इतनी अच्छी आ रही क्योंकि इसमें केवड़ा वाटर डाला, और सारी रेसिपीज़ हम घर के मसालों में बनाते हैं और सारे मसाले हमारे घर में मौजूद होने चाहिए। आप कुकिंग का शौक़ रखती हैं तो आपके पास सारे मसाले होने चाहिए और कोई ऐसे महंगे नहीं मिलते। सब चीज़ें आप लेके रखें, फिर आपको इजी होगा हर चीज़ बनाना, कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है। जड़े तां खादा ठाणे जो शौक रखो था तो पो छाकंदा क्यों हर शे वठी घर में रखो, पकड़न वाला काडे रखी छड़िया मां, हर शे वठी तां घर में रखो, हर मसालो आइन भी तकरीबन घणा मसाला 6-8 मसाला हैं जो असांजे रोज़ जे इस्तेमाल में, ठीक है। ये इनमें इस्तेमाल थींदा, अच्छी तरह हिला दें ताकि ऑयल और मसाला मिक्स हो जाए। ये सारा शोरबा इसके ऊपर डाल देंगे, साथ साथ खीर में भी स्पून चलाते रहें। ये ना मेरे नॉन स्टिक होते हैं बर्तन तो ये लगता नहीं है नीचे से, ठीक है, वरना क्या होता है नीचे से स्टार्च होता है, चावल चिपकना शुरू हो जाता है, ठीक है। मुंजा जेका था हुंदा नहीं तो इस्तेमाल कंदा हूं, ये नॉन स्टिक हुंदा है, ये लगन दो ना है, सड़न दो ना है इनमें को भी शे, तो इन करे खासकर जब खीरणी ठाईंदा तो चावर हमेशा लगी वेंदा है हेठा का, तो इन शे जो ख्याल रखंदा कि चमचो हलाईंदा रहंदा कि माण्हू खीरणी जे वेझो हुजे। ये हमारे हो गए ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार। तेज़ पत्ता निकाल देते हैं, तेज़ पत्ता हमेशा सालन से निकाल दिया करें पतीले से, ठीक है, जो पतीले में छोड़ दिया करें या निकाल दिया करें। तेज़ पत्ते से लुक अच्छा नहीं आता, जायका बहुत अच्छा आता है लेकिन डिश में नहीं डाला करें। ये असो कोफ्ता तैयार थी भैया, और अब हम बनाते हैं ड्रिंक। जब तक हमारी खीर गाढ़ी हो रही है तो हम ड्रिंक भी बनाते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक़। इसके लिए ले लेंगे पानी ठंडा, 4 खाने का चम्मच एक गिलास में, ठीक है, 4 खाने के चम्मच एक गिलास में, 9-10 जग बनेंगे। अगर जग में बना रही हैं तो 9-10 बनेंगे, और अगर गिलास बनाती हैं तो 35-40 गिलास बनेंगे, ठीक है। 5 टीका 40 गिलास ठंडा, और अगर एकड़ी बोतल माँ तुम 9 जग ठंडा 10 जगन तीन भी ठाई सकोता, ठीक है। बाकी उनके अलावा
एक खाण जो एक ग्लास में चार का पंज खाण जा चमचा। ये भी हो गया हमारा रोज़ा ड्रिंक तैयार। काउंटर क्लियर क्यों था खीरणी के भी कटी चलता। ठीक है, अच्छा खीर ठंडी होगी तब गाढ़ी होती है, ठीक है, फौरन गाढ़ी नहीं होती है, जब बिल्कुल ठंडी हो जाती है तो फिर उस वक्त गाढ़ी होती है। तो अभी थोड़ी पतली रहेगी, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। टाइम बताए जो केतरो असांड। हेलो, टाइम बताए जो खीरणी घाटी थी भैया। ठीक है, ये कटी था अठो ही रखने का वधी घाटी थी। ये रखने के बाद ठंडी जब होगी बिल्कुल टेम्परेचर पे आके गाढ़ी हो जाएगी और इसे भी हम डिश आउट कर देते हैं। सफ़ा थदी थी वने इनके फ्रिज में रखी छजो बटे कलाक पो खाएजो। ठीक है, जब बिल्कुल ठंडी हो जाए रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर इसको आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रख के फिर आप इसको एक दो घंटे के बाद सर्व करें। पिस्ता बादाम इसके ऊपर थोड़ा डाल देते हैं। अभी ये मैं डाल रहा हूँ तो ये अंदर थोड़ा डिप हो रहे हैं, जब ये थोड़ी लेयर आएगी तो फिर ऊपर से नज़र आएगी। ठीक है, ये हमने बना दी है मलका फूड की खीर मिक्स और उसके साथ हमारा है रो अफ़ज़ा। ठीक है, और ये हमारे हो गए हैं कोफ्ते। कोफ्ते हमने ईद के लिए बनाए, बेहतरीन रेसिपी है कोफ्तों की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ से मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम बना रहे हैं देगी यखनी पुलाव। देगी यखनी पुलाव बड़ी ज़बरदस्त पुलाव है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो भी ईद के हिसाब से सारे खाने बना रहा हूँ, रमज़ान में भी आप बना के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, सुभाने 9 बजे रिपीट हलंदो सिन टीवी HD कुकिंग शो। असो यूट्यूब चैनल है, उत्तर रेसिपी अपलोड थी। सुभाने ठाईंदी पुलाव, पुलाव असं ठाई पाया देगी यखनी पुलाव। ये फरमाइश भी पुलाव जी ईद के हिसाब से भी ठाई पाया। सुभाने जो रेसिपी मिस न कजो, पाँच कोड सारो ख्याल रख। दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह सुभाने तक मुलाकात थी। अला हाफिज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।